so at that time i really miss rajni ji because he is so generous and he so kind hearted and humble that uh, i am too sure that he would have come forward and help me jab rajni kan ji ne uh, mere roza iftari ke liye pura table sajwaya unhone producers from hindi or any other industry should learn is the payment part south industry में जैसे बताया आपको कि पहला ही मेरा कदम जो है वो साउथ uh, इंडस्ट्री में पड़ा अरुणा किरनम के through तो मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं बहुत डरी हुई थी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि बिल्कुल एलियन लैंग्वेज जो मेरे लिए यहाँ पर अगर बॉम्बे में मैं हूँ और मुझे मराठी या गुजराती या पंजाबी करना है, तो फिर भी मुझे पता है कि भाई लिंगो क्या होता है या क्या एक्सेंट कैसे होता है इन लैंगवेज़ का और तमिल तेलुगु जब कहा तो हवा तो बहुत सरक गई थी लेकिन हिम्मत की करना तो था ही तो जब गई वहाँ पर तो मैंने साफ कह दिया था डायरेक्टर जो थे हमारे सुबैया आई स्पोक टू हेम एन आई से सर माई हिंदी इज़ वेरी गुड माई इंग्लिश इज ओके बट आई डोंट नो तेलुगु मुझे बिल्कुल नहीं आती तेलुगु सर इज लाइक नो अम्मा नो प्रॉब्लम दे मेरे घर का नाम है मीठी तो दे इज़ टू नाउ शगुफ्ता वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू प्रोनाउंस वेरी वेरी डिफिकल्ट तो मैंने कहा शगुफ्ता तो ये कभी भी नहीं बोल पाएंगे मैंने कहा मीठी तो बोले मिट्टी मिट्टी ओके okay? मैं बोली यस सर तो बोले ओके मिट्टी अम्मा नाउ यू हैव टू गिव लिप मूवमेंट मैंने कहा एग्जैक्ट लिप मूवमेंट सो ही वॉज लाइक के यस वी विल डब योर वॉइस तो इफ इवन इफ़ द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट परफेक्ट इट इज़ ओके बट they are very particular about it. Let me tell you, it's not so easy. Hats off to the actors who have gone from here and become a big name in Telugu Tamil film because it's a very difficult language. But ये काबिल तारीफ़ है उन लोगों के लिए और ये रहेगा मेरे ख्याल में तब जब थे जो अंदाज़ था उनका काम करने का हमसे पहले जो एक्टर्स आए थे उन्होंने भी वही फॉलो किया होगा और हमने भी वही फॉलो किया और आगे भी वो अभी तक वैसे ही चल रहा है कि कमाल का डिसिप्लिन कमाल की पंक्चुअलिटी के वाकई प्लीज़ अगर यहाँ पर कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो बदतमीज़ हैं या जो डिसप्लिन नहीं है या पंक्चुअल नहीं हैं या अपने काम को सीरियसली नहीं लेते हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि साउथ की फिल्में कीजिए साउथ में जाकर काम कीजिए आपको पता चलेगा व्हाट इज़ हार्ड वर्क आई एम नॉट सेंग के यहाँ के लोग काम हार्ड वर्क नहीं करते बहुत हार्ड वर्क करते हैं हिंदी में भी बहुत हार्ड वर्क है हर हर लैंग्वेज में फिल्म बने या सीरियल बने बहुत बहुत मेहनत है लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है मद्रास इंडस्ट्री से कि चेन्नई में जो आजकल आप फिल्में उठा के देखिए मैं बहुत ज़्यादा मैं और मेरी मम्मी जब फ्री होते हैं तो हमारा यही काम होता है कि जितनी डप्ड फिल्में हैं वो तो ज़रूर देखनी है तो वहाँ के जितने बड़े एक्टर्स हैं मैं सारों की फिल्में देखती हूँ और हर एक से सीखने को मिलता है जि, जितनी देर मैंने काम किया मैंने यही सीखा कि अगर उन्होंने कहा है सात बजे आप पहुंच जाइए सेट पे चाहे विथ मेकअप हो या विदाउट मेकअप हो आपको रेडी आठ बजे हैं तो आठ बजे कैमरा रोल हो जाएगा आप सामने हो कि नहीं हो किसी और को खड़ा कर दिया जाएगा जो भी तैयार होगा उनको रोल करना है आठ बजे उनको रोल करना है नौ बजे प्लस वन मोर थिंग विच आर प्रोड्यूसर्स फ्राम हिंदी और एनी अदर इंडस्ट्री शुड लर्न इज द पेमेंट पार्ट दे आर फैंटास्टिक मुँह खुलने से पहले आपकी बात पूरी हो जाती है आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो कई मरतबा यहाँ पर मैंने नोटिस किया है फिल्म हों या टेलीविजन हो खासतौर पर टेलीविजन कि लिटरली अपने ही पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ती है प्लीज़ नोट डाउन दिस थिंग ये पैटर्न चेंज होना चाहिए दिस इज़ नॉट राइट हमारे कुरान शरीफ में लिखा है कि जो मजदूरी करता है जो मेहनत करता है उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी दे दो आप वो मत फॉलो कीजिए कि क्योंकि कुरान में लिखा है इसलिए आप वो फॉलो कीजिए मैं ये नहीं कह रही हूँ लेकिन ये लिखा है हमारे कुरान में तो अगर एक ह्यूमैनिटी के तौर पे एक इंसानियत के नाते अगर वो सब लोग काम शुरू कर दें तो बहुत बेहतर होगा क्योंकि ये नाइन्टी डेज़ वाला पेमेंट हंड्रेड एंड ट्वेंटी डेज वाला पेमेंट ये सब नहीं है ये बनाए गए हैं रूल्स इन लोगों के टेलीविजन शुरू करने के बाद हमने जब शुरू किया तब ऐसा नहीं था हमने उस दिन काम किया उसी शाम को हमको पैसे मिल जाते थे तो वो रूल्स जो इन लोगों ने टेढ़े मेढ़े किए और उस रूल्स में जो चीटिंग्स चल रही हैं जो लोगों को आर्टिस्टों को परेशान किया जाता है मैं एस्टैब्लिश होने के बाद भी रोई हूँ कि प्लीज़ मेरा पेमेंट दे दो प्लीज़ अब चार महीने हो गए प्लीज़ अब पाँच महीने हो गए प्लीज़ छः महीने हो गए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ मेरा पेमेंट दे दीजिए मुझे मेरे एक्स्ट्रा आवर्स का दे दीजिए मेरे नॉर्मल पेमेंट जो मेरा पर डे का पेमेंट है वो दे दीजिए इस तरह से पैसे मांगने पड़ते जो वहाँ पर इंडस्ट्री में नहीं करना पड़ता विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट कि वो हर मज़दूर हर एक्टर हर एक टेक्नीशियन को इतना खुश रखते हैं खिलाना पिलाना बिहेवियर पैसा मुझे आज भी अगर ऑफ़र होगा साउथ का लैंग्वेज मुझे नहीं आती है मैं उनसे वो माफ़ी मांगने को तैयार हूँ लेकिन मुझे अगर आज भी साउथ का आएगा ऑफ़र तो मैं कूद कर जाऊँगी कि नहीं यार वाई नॉट मुझे मेरे मेहनत का बकाया उसी दिन या फ़ौर कुछ दिनों में ही मिल जाएगा तो मैं क्यों ना करूँ वाई नॉट तो वहाँ से ये बहुत कुछ सीखने को मिला और सम आई डोंट नो क्यों प्रोड्यूसर्स नहीं सीख रहे ये चीज़ आप कोलैब कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ें भी सीखिए क्या रे यार वहाँ की इंडस्ट्री में इतना इतनी प्रॉस्पर क्यों करती है उनका मार्केट छोटा होने के बावजूद वो तो इतना प्रॉस्पर कैसे करते हैं सो कॉल्ड बॉलीवुड हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से तो कमी है ना लेकिन आज देखिए माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँचे साउथ की इंडस्ट्री जो बहुत खुशी होती है बहुत अच्छा लगता है उनके वे ऑफ वर्किंग से तो मैं तो बोलूँगी बहुत सारे हैं लाइन लगी हुई है यहाँ पर मुंबई में जो प्रोड्यूसर्स को सीखना चाहिए कि कैसा करते हैं काम वो भी एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था मेरे लिए रजनीकांत जी के साथ काम करने का कि उस ज़माने में तो मतलब एंड आई माई सेल्फ मैं खुद फ़ैन थी उनकी उनकी हर फिल्म देखा करती थी तो जब जैसे ही पता चला ना कि रजनीकांत के साथ गाना है तो आयोज में ना नहीं बोलना है मैंने अपने जो हमारे मैनेजर हैं उनको मैंने कह दिया मैंने कहा ना nah, बिल्कुल मत कहिएगा आप आप हाँ ही कहेंगे और जो पैसे वो बोलेंगे हम काम करेंगे उसमें क्योंकि रजनी जी के साथ काम करने को मिल रहा है एंड फर्स्ट डे उनकी एंट्री हुई सेट पे हमारे शॉट्स कुछ हो चुके थे वो थोड़ा लेट आए और आने के बाद एब्सोल्युटली डाउन टू अर्थ खुद आकर सबसे इंट्रोडक्शन अपना करना है एक एक से मिलना डायरेक्टर से कैमरा मैन से हम तीन लड़कियाँ थी उस गाने में हम तीनों से आके खुद आकर मिले लेडीज मैन वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेन ही सैट डाउन फॉर वेन वी सैट डाउन फॉर आर लंच ब्रेक एंड एनऑल ही सेट यू आर नॉट हैविंग खाना नहीं खाओगे अपनी ठीक मैंने कहा नहीं सर मेरा रोज़ा है तो बोला अरे बाप रे ही न्यू अ लॉट अबाउट रोजा देन ही स्पोक अ लॉट अबाउट रमजान दिस इन दैट एंड वैन आई सॉ इन द इवनिंग वैन इट वॉज इफ्तार टाइम एंड इट इज इट वॉज सच अवटिफुल मोमेंट फॉर मी एंड आई लिटली हैव ट माई आईज जब रजनीकांत जी ने मेरे रोज़ा इफतारी के लिए पूरा टेबल सजवाया उन्होंने और मैं वहाँ पाँच छः दिन थी और पाँच छः दिन उन्होंने वो पूरा टेबल सजता था पूरा टेबल जो इफ़ारी के सामान से चाहे वह समोसे हों या फ्रूट्स हों या जो भी जो भी आप बोलिए मतलब साउथ सारा जो डेलीकेसीज़ होती हैं इडलीज एंड सांबर्स एंड मींदू वड़ाज एंड एवरी थिंग वॉज देयर ऑन दैट टेबल यू नेम इट और मतलब मैं हो जाती थी मैंने कहा मैं, मैं खाऊंगी इतना सा तो बोले नो 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 रोज़ा रखा है आपको खाना चाहिए यू हैव टू ईट सो इट यूज टू बी एंड ही टू सिट विद एंड ओपन द फास्ट तो जब ये एक बीच में, में मेरा बहुत लो फेज आ गया था अभी कुछ छः साल पहले तो उस ज़माने में मैंने रजनीकांत सर को बहुत याद किया मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं था उनका अब भी नहीं है लेकिन अगर होम मेरे पास कांटेक्ट उन आ, उनका तो मैं उनसे फ़ोन करके उनसे ज़रूर वक्त लेकर और उनसे मिलना चाहूँगी और अपना प्रॉब्लम शेयर करना चाहूँगी कि मैं किन प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ एंड लाइक हाउ रोहित शेट्टी एंड जॉनी लिवर भाई एंड अशोक पंडित भाई एंड रमेश चौरानी जी दीस पीपल डांस दीवाने के जो प्रोड्यूसर्स थे वो ये लोग जैसे फॉरवर्ड आए और मेरी हेल्प की उन लोगों ने

ही इज़ किंग अगर मैंने काम नहीं किया होता तो मैं अपने आप को अब तक कोसती रहती कि मैंने क्यों नहीं किया रजनी जी के साथ काम लेकिन वो एक गाना करना मेरे लिए दस फिल्मों के बराबर था तो वो मेरी बहुत आई वॉज वेरी लक्की अबाउट इट